आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप आप एक खुद प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं कुछ इस तरह का। अगर आप भी जानना चाहते हैं ये वीडियो आपके लिए है। मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, सो चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर वन, आपको फॉलो करना होगा, कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप सेम लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फोन के साथ कर सकते हैं। आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है blogger.com, कुछ इस तरह से आपको टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ इंटरफेस आएगा, यहाँ से आपको साइन इन कर लेना है अपने जीमेल अकाउंट से, जो भी आप जीमेल अकाउंट से अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको एक कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसे हाइड कर देंगे हम। यहाँ से पूछ रहा है चूज ए नाम ब्लॉग, आप अपने ब्लॉग का क्या नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप करना होगा आपको। जैसे मैं यहाँ पर स्मार्ट एक्स क्रिएटर रखना चाहूँगा, ठीक है, बस इतना करके हम नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है ब्लॉगर का URL आप क्या रखना चाहते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट का एक URL होता है, ताकि हम जैसे blogger.com है, हमने टाइप किया था डायरेक्ट इस वेबसाइट पे चले जाते हैं, उस तरह से आप कौन सा URL रखना चाहते हैं अपने वेबसाइट के लिए, ताकि किसी को भी आप बताएं तो वो URL टाइप करके आपके वेबसाइट पर चले आए। यहाँ से स्मार्ट एक्स क्रिएटर में रखूँगा, दिस ब्लॉग अवेलेबल है, यहाँ से हम सेव कर देंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ से इसको भी ब्लॉग करेंगे, नीचे आकर कुछ इस तरह का हमारा शो हो रहा है, ठीक है। जब हम blogger.com पे यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ से हमें पैनल मिलता है। इसी पैनल की मदद से हम अपने सारे ब्लॉग के जो भी पेज का डिजाइन वगैरह करना होगा सारा यहीं से करते हैं। तो यहाँ से भी ब्लॉग करते हैं, शो हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे थीम वाले सेक्शन में आना है और यहाँ से थीम हमें अपलोड करना होगा। तो थीम डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल सा गूगल में टाइप कर सकते हैं ब्लॉगर थीम। यहाँ पे फर्स्ट वाले वेबसाइट पे विजिट कर लेना है, कोई भी एक रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट हम देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारा आपको थीम मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको इसी थीम पे आपको ब्लॉग बनाना है, पोलर ब्लॉगर टेम्पलेट है, लाइव प्रीव्यू देखते हैं किस तरह देखने में होगा। तो कुछ इस तरह से इसका डिजाइन है, ठीक है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हम डाउनलोड करेंगे, ओके। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से पोलर फ्री यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से बन चुका है हमारा एक फाइल। इसमें हमें एक XML फाइल मिल जाता है, फ्री ब्लॉगर यहाँ पे देख सकते हैं पोलर फ्री वर्जन XML फाइल है। इसको हमें क्या करना होगा, एडिट करना होगा। एडिट करने के बाद इस सारे कोड को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, मिनिमाइज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको आना है ब्लॉगर थीम में, यहाँ पे थीम में इस वाला आइकन पर क्लिक करके एडिट HTML, उसके बाद इन सारे कोड को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। और उसके बाद जो कोड हमने कॉपी किया था उसे यहाँ से पेस्ट कर देंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ से हम अपने यहाँ से बैक हो जाएंगे, व्यू ब्लॉग करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्मार्ट एक्स क्रिएटर का यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरह से चेंज हो चुका है अपलोड करने के बाद, और अपलोड करने से पहले कुछ इस तरह का डिज़ाइन था। तो यहाँ से हमने थीम को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, सबसे पहले लोगो चेंज करना, यहाँ से जो भी हमें टैब दिया गया है इसको चेंज करना। उसके बाद यहाँ पे सोशल प्लगइन्स ऐड करना, यहाँ पे वीडियो का लिंक वगैरह ऐड करना, फेसबुक पेज का यहाँ पे ऐड करना, ये सारी चीज़ें करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडर लोगो का ऑप्शन है, लोगो चेंज करने के लिए यहाँ से आपको लोगो बनाना पड़ेगा। यहाँ से हमने ऑलरेडी बना कर रखा है, इसको अपलोड करेंगे। लोगो हमारा अपलोड होकर यहाँ सेव कर देंगे, रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं कि लोगो मेरा अपडेट हो चुका। लोगो अपलोड करने के बाद यहाँ से मेन मेनू है, मेन मेनू यहाँ से कुछ इस तरह का है। हमें 3 से 4 या 5 मेनू रखना पड़ेगा शुरुआती में। तो यहाँ से सबसे पहले इन सारे को डिलीट करते हैं, ठीक है। ऐड, जैसे सबसे पहले हमारा क्या है, नीच जो भी है यूट्यूब टिप्स, उसके बाद क्या है क्रिएटर आइडिया, कुछ इस तरह से हम सेव कर देंगे। जितना आप मेन मेनू ऐड करना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा मेनू आ चुका है। फिर
उसके बाद आता है हमारे सोशल मीडिया प्लगइन्स ऐड करना। तो इसमें से सारे सोशल मीडिया प्लगइन्स नहीं रखेंगे हम, बस फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का रखने वाले हैं। तो यहाँ से फिर से आएंगे और यहाँ से सोशल मीडिया प्लगइन्स है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सारे को डिलीट कर देते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर को बस इतना को रख के हम सेव कर देते हैं। तो इतना करने के बाद आपको सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन सारे का लिंक कॉपी करना होगा आपको, जिस भी पेज का आप देना चाहते हैं, जो भी इंस्टाग्राम आईडी का देना चाहते हैं और यूट्यूब का देना चाहते हैं। लिंक कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ से हम इस पेज का लिंक कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम भी लॉगिन है यहाँ से, इसका भी कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद यूट्यूब है, तो यूट्यूब का भी कॉपी कर लेंगे हम। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों का लिंक कॉपी कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ से आपको डैशबोर्ड में आना है, सोशल प्लगइन, और यहाँ से फेसबुक वाले सेक्शन को एडिट करके साइट यूआरएल है इसको डिलीट कर देंगे और जो हमने कॉपी किया है वो पेस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ से हमने फेसबुक का पेस्ट कर दिए सेव, फिर एडिट करेंगे इंस्टाग्राम का, इसको भी डिलीट कर देते हैं कंट्रोल ए के साथ, डिलीट इंस्टाग्राम, ठीक है। उसके बाद है यूट्यूब, यूट्यूब ठीक है, इस डिलीट, इसमें हम यूट्यूब का पेस्ट किए सेव कर दिए। यहाँ से आप देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आइकन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम यूट्यूब पे चले जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर चले आए, या हम इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम आईडी पे चले जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ से हमें पॉपुलर पोस्ट, सब्सक्राइबर, फेसबुक पेज कैटेगोरी, तो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन है, इसमें हम यूट्यूब का लिंक दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यूट्यूब का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो मैं अपने चैनल का देना चाहूँगा। तो यहाँ से यूट्यूब पे आते हैं, कोई भी एक वीडियो का लिंक कॉपी करना होगा हमें, वीडियो को मैं डालने वाला हूँ पेज पे, ठीक है। यहाँ पे शेयर वाले बटन पर क्लिक करना होगा, एम्बेड पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आपको आना है टेम्पलेट में यहाँ पे, और सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके, आई फ्रेम टैग है इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे आई फ्रेम सेव। यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं मेरा वीडियो आ चुका है। उसके बाद फेसबुक पेज है, पेज पे भी हम चाहेंगे तो अपना पेज के लगा सकते हैं। यहाँ पे फेसबुक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पे कहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक देख सकते हैं एचएआर फी टैग के अंदर में यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसे डिलीट करेंगे और जो हमारा फेसबुक पेज का लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिए सेव कर देंगे। रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल का और यहाँ पे फेसबुक पेज का आ चुका है। कोई भी यहाँ से लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद नीचे में होम है, अबाउट है, कंटेक्ट है। अब यहाँ पे जो बटन हम लोग बनाए हैं ये बटन काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है, इसके लिए हमें सबसे पहले पोस्ट लिखना होगा। जितना भी टैग हम लोग दिए हैं उस टैग पे हमें पोस्ट लिखना होगा एक एक। तो पोस्ट लिखने के लिए सिंपल सा आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे एक ऑलरेडी हमने पोस्ट लिखा हुआ है, यहाँ से न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बिगनर के लिए, जो लोग नहीं जानते पोस्ट कैसे लिखते हैं, और वहाँ से मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई भी वेबसाइट से हम पोस्ट एक उठाएंगे। यूट्यूब टिप्स पे पहले एक ब्लॉग लिख लेते हैं। यहाँ से टाइटल है हाउ टू गेट मोर 60, जो भी कॉपी कर लिए, यहाँ से टाइटल हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो भी उसका दिया हुआ है रैंडम हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई पिक्चर लगाना होगा तो पिक्चर हम लगा सकते हैं, इसमें पिक्चर दिया हुआ है कि नहीं। ओके, यहाँ पे यूट्यूब टिप्स का बहुत सारा यहाँ पे है, कोई भी एक इमेज को डाउनलोड हम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट में ऐड करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करना होगा, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, चूज फाइल, जैसे हम डेस्कटॉप पे डाउनलोड किए हैं यहाँ पे है इमेज, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। इस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इमेज ऐड हो चुका है। यहाँ से लेबल हम क्या देंगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या है, यूट्यूब टिप्स, तो यहाँ से लेबल में हम क्या देंगे, यूट्यूब टिप्स, हो गया। उसके बाद यहाँ से हम
इस आर्टिकल को कर देते हैं पब्लिश। यहाँ से देख सकते हैं, अब यहाँ पे यूट्यूब टिप्स पे क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेआउट में आएंगे और यहाँ से जो लेवल हमारा क्या कैटेगरी है इसको सेव कर लेते हैं। कैटेगरी यहाँ से देख सकते हैं स्मार्ट एक्स क्रिएटर यूट्यूब टिप्स, एक स्मार्ट एक्स क्रिएटर पे हम लिखे हैं और एक यूट्यूब टिप्स पे लिखे हैं, एक आर्टिकल इसलिए शो कर रहा है। एक क्या है हमारा क्रिएटर आइडिया, तो एक और पोस्ट लिख लेते हैं हम क्रिएटर आइडिया का। लेवल देंगे हम क्या, क्रिएटर आइडिया। ओके, तीन आर्टिकल हमारा हो चुका है। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा कैटेगरी तीन हो चुका है क्रिएटर आइडिया। यदि कोई भी व्यूअर आता है हमारे वेबसाइट पे यूट्यूब टिप्स पे क्लिक करेगा तो यूट्यूब टिप्स पे जितने में हमारा आर्टिकल होगा उस आर्टिकल शो होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, लिंक करना होता है। लिंक करने के लिए सबसे पहले जितना भी कैटेगोरी है इसको एक न्यू टैब में हमें ओपन करना होगा। क्रिएटर आइडिया, स्मार्ट एक्स क्रिएटर, यूट्यूब टिप्स, इन तीनों को हम यहाँ पे न्यू पेज पे एक एक पेज में ओपन कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, एक एक जैसे यहाँ पे क्रिएटर आइडिया का ये टोटल हमारा आर्टिकल आएगा तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। सेम प्रोसेस होगा स्मार्ट एक्स क्रिएटर का, जो भी आर्टिकल होगा यहाँ पे इसका लिंक कॉपी कर लेंगे। क्रिएटर आइडिया है, यूट्यूब टिप्स है, इसको भी कॉपी कर लेंगे। तो तीनों कॉपी कर लिए, उसके बाद हम यहाँ पे लेआउट में आएंगे और यहाँ से हमें क्या करना है, इनमें ऐड लिंक करना है। तो सबसे पहले मेन मेन्यू में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फीचर वाले ऑप्शन को छोड़ देते हैं, जैसे यूट्यूब टिप्स है इसको क्लिक करेंगे। साइट URL यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे क्या, यहाँ पे देख सकते हैं कि यूट्यूब हमारा टिप्स है, यूट्यूब टिप्स वाला हो गया। उसके बाद है क्रिएटर आइडिया, क्रिएटर आइडिया का URL डिलीट करते हैं, यहाँ पे क्या पेस्ट करेंगे हम, क्रिएटर आइडिया, सेव कर दिए। उसके बाद फीचर में क्या रखते हैं, फीचर में रखेंगे स्मार्ट एक्स क्रिएटर का आर्टिकल, सेव कर देंगे। अब यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे हम इस पेज को, होम पेज पे हैं। अब कोई भी आता है हमारे वेबसाइट पे, उसको अगर यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड अगर आर्टिकल पढ़ना है, इस पर क्लिक करेगा डायरेक्ट वो यूट्यूब टिप्स से जितने भी आर्टिकल होंगे इस पेज पे वो शो कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आर्टिकल एक शो कर रहा है। सेम प्रोसेस क्रिएटर आइडिया पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्रिएटर आइडिया से रिलेटेड सारा उसको आर्टिकल मिल जाएगा। फ्यूचर है, सो इस तरह से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। सो इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस का एक पेज बनाना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पेज आना है और यहाँ पे आपको एक न्यू पेज क्रिएट करना होगा। अबाउट अस आपको लिख देना है इसमें अपने बारे में, अगर कोई भी विजिटर आता है आपके बारे में जानना चाहते हैं तो अबाउट अस का पेज देना होता है। तो यहाँ से अबाउट अस का पेज हम कॉपी कर लिए, जो भी अपने बारे में लिखना हो लिख सकते हैं, मैं अपने वेबसाइट पे इसे कॉपी करूँगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसे पब्लिश कर देंगे और कॉन्टेक्ट अस का है तो कॉन्टेक्ट अस का यहाँ से पेज हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे अभी देख सकते हैं अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो ये कहीं और रिडायरेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल सा लेआउट में आएंगे और लेआउट में नीचे हमारा क्या है, फूटर मेनू है, क्लिक करेंगे। इसमें अबाउट का है, कॉन्टेक्ट अस का है, तो अबाउट ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था पेज, इसको व्यू करते हैं। ये अबाउट अस का हमारा है, सो इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इस सेक्शन में आना है, इस लिंक को डिलीट करके पेस्ट करना होगा आपको। अबाउट अस सेव, कॉन्टेक्ट अस है, कॉन्टेक्ट अस का ऑलरेडी हमने लिंक बनाया होगा, उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हमारा बन के तैयार हो चुका है खुद फ्री वेबसाइट, देख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस हम फॉर्म डाल सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे हम अबाउट अस अगर कोई देखना चाहे तो यहाँ से अपने बारे में आप लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। और ये रिस्पॉन्सिव एडवर्टाइजमेंट है, इसका ऑप्शन यहाँ पे आपको है, होम एड टॉप है। इसमें कोड का लिंक हमें ऐड करना होता है जब हमें अर्निंग करनी होती है, यानी गूगल एडसेंस की तरफ से जो भी ऐड मिलता है, तो इसको हम अभी ऑफ कर देते हैं।
देख सकते हैं वो भी हट गया, और आप देख सकते हैं एक प्रोफेशनल डिजाइन बन चुका है। इसको मोबाइल मोड में देखेंगे, मोबाइल में कुछ इस तरह का शो होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें, साथ में शेयर करें। और एक चीज़ बात की, मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे आर्टिकल लिखेंगे, इसमें कौन कौन से SEO सेटिंग करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप कैसे एक वेबसाइट पहले क्रिएट करते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप सीख लेंगे।